हेलो नमस्ते ससरे काल अदा मेरी तरफ सबको एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस टाइम मैं खड़ा हूँ जी चंडीगढ़ के पिंजौर गार्डन के बाहर। पहले आपको व्लॉग दिखाया पिंजौर गार्डन्स का, वो डे टाइम का व्लॉग था, तो मैंने उस टाइम बोला था कि मैं एक व्लॉग बनाऊंगा जो कि रात का होगा, लाइट एंड साउंड शो का। तो आज बिल्कुल टाइम पे हम लोग पहुंच चुके हैं, 8:15 9:30 ये बंद होता है पिंजौर गार्डन। तो आपको लेके चलते हैं अब पिंजौर गार्डन के अंदर। देखो कितनी खूबसूरत लाइटनिंग हो रखी है, बाहर फाउंटेन्स वगैरह चल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत माहौल है, ठंडा मौसम है। और आप चलते हैं अब सीधा पिंजौर गार्डन्स के अंदर। ये कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, टेरिफ्स यादविंद्रा गार्डन्स पिंजौर, रंग महल 6000 का रूम है, महाराजा स्वीट का 5300 का, शीश महल 5300। ये रूम्स के चार्जेस लिखे हैं, जो सबसे सस्ता रूम है वो 1999 का है, मतलब 2000 रुपये का। फाउंटेन क्लोज है शायद अंदर ही लिखा हुआ है। एंट्री टिकट इज 25 रुपीज़, तो एंट्री लेते हैं। बाकी हमारे दोस्त जो हमें ऋषिकेश में मिले थे, अपना भाई प्रिंस शिवताज ऑल द वे फ्रॉम बटाला, एक दोस्त साडा हो रहा है वो साइड पे है। तो ये मेन एंट्रेंस है पिंजौर गार्डन की, ठीक है जी। बिल्कुल अंदर एंटर हो चुके हैं हम, बिल्कुल सामने का व्यू चेक कीजिए, लाइट में कितना खूबसूरत लग रहा है। दिन के मुकाबले जो रात का व्यू है वो ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा ठंडा भी है माहौल, दोपहर को तो गर्मी होती है आजकल। तो दिस इज़ द थिंग जो हम देखेंगे आज। सबसे एंड में आएगा जल महल, ठीक है, फूड कोर्ट, रंग महल, रेस्टोरेंट, रानी महल, ये पहले भी दिखाया आपको डे टाइम जिस दिन ब्लॉक किया था। मेनली हम आज लोग आए हैं इस चीज़ के लिए कि आपको लाइट एंड साउंड शो दिखा सके। साउंड तो नहीं चल रहा है कि अंधेरे में कैसा लगता है पिंजौर। ये देखिए काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी भीड़ है, और ऊपर काफ़ी पक्षी हैं जो काफ़ी घूम रहे हैं यहाँ पे। कुछ हुआ है यहाँ तो, कोई जानवर वगैरह मरा है मेरे को लगता है उस सेंस में। तो फाउंटेन्स बंद है, हमारा बैड लक है कि ना तो साउंड चल रहा है और फाउंटेन्स भी क्लोज हैं, सिर्फ लाइट है। तो लाइट एंड साउंड शो के नाम पर सिर्फ लाइट्स हैं, फाउंटेन्स नहीं हैं। तो ये है सामने शीश महल, इसके बारे में लिखा भी हुआ है, सामने आप पढ़ सकते हैं, और बेहद खूबसूरत लग रहा है ब्लू ब्लू लाइट्स में, पानी के बिल्कुल किनारे पे। तो ये है शीश महल जो सबसे पहले है पिंजौर में। बेसिकली मैंने आपको पिछले टाइम बोला था कि मैं आपको ये दिखाऊंगा, और आज वो वादा पूरा करता हुआ मैं 1 साल बाद यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे रहने के लिए भी अवेलेबल है, कृपया कमरे के दरवाज़े ना खटखटाएं। तो ये मिलते भी हैं रहने के लिए, जिसने यहाँ पे आके रहना है वो भी रह सकता है। टैरिफ चार्जेस बाहर लिखे हुए हैं जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाए, ठीक है जी। और ये आसपास गार्डन्स, मुगल गार्डन्स, पिंजौर गार्डन्स। अब स्टेप बाय स्टेप नीचे जाएंगे नेक्स्ट फेज़ में पिंजौर गार्डन के। ये देखिए इधर का जो व्यू है, वेरी कलरफुल एंड ब्राइट, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, ब्लू, रेड, ग्रीन, पीपल आर इन्जॉइंग, अपनी इवनिंग इन्जॉय कर रहे हैं। आजकल गर्मियाँ हैं तो यहाँ पर आने का फ़ायदा शाम को ही है। चंडीगढ़ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, 13 किलोमीटर, यादविंद्रा गार्डन्स पिंजौर। बिल्कुल सामने मेरे है रंग महल, अब रंग महल दिखाते हैं आपको, वहाँ से बहुत तगड़ा व्यू आता है, काफ़ी चौड़ा है ये। और इसके बिल्कुल राइट साइड पे होटल है जहाँ पे आप आके स्टे कर सकते हो, पहले भी दिखाया पुराने व्लॉग में, चेक कर लेना। दिस इज़ द रंग महल का एरिया। तो यहाँ पानी तो नहीं है फ़िलहाल, यहाँ से जो व्यू है वो बाकमाल है, बेहद खूबसूरत, इन असेंडिंग ऑर्डर, नीचे से नीचे से नीचे से बिल्कुल एंड तक। सबसे खूबसूरत पार्ट यही है, यहाँ से जो व्यू है और वो बिल्कुल सामने जो नीचे का व्यू है वो बेहद खूबसूरत है। बैंक्वेट हॉल भी है यहाँ पे, अगर किसी ने पार्टी करनी है यहाँ पे, शादी या कुछ भी, तो ये बैंक्वेट हॉल भी बना हुआ है। तो जैसे जैसे ये पौड़ियाँ नीचे उतरती जा रही हैं, दिस शोज़ कि ये बहुत हिल्स पे बना हुआ है, स्टीप, हिल को काट काट के नीचे को, पहाड़ से नीचे को उतर रहा है सारा रास्ता। यहाँ पर भी फाउंटेन्स चलते होते हैं लेकिन आज सूखा पड़ा हुआ है। फाउंटेन्स के साथ और भी बेहद खूबसूरत लगता है। आज पहले हमारा ड्रोन भी नहीं उड़ा और आज पानी भी नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा सीन ऑफ चल रहा है। वो हमारा दोस्त ऊपर खड़ा है शिवताज, ऊपर से वो हमारा दूसरा भाई नवराज। आ जाओ नीचे, आ जाओ उधर चलते हैं मेन वाले में। तो ये मैं नीचे आ गया बिल्कुल शीश रंग महल से, और वो सामने का व्यू है बहुत प्यारा, रात को बेहद खूबसूरत लग रहा है, वहीं जाना है हमने, बिल्कुल एंड तक जाएंगे और वापस आएंगे, एक दो फोटोग्राफ्स खींचेंगे, एंड देन वी लैंड दिस व्लॉग, ब्यूटिफुल व्लॉग, एन इवनिंग आउट इन यादविंद्रा गार्डन्स पिंजौर। काफ़ी भीड़ है इस जगह पे अभी इस टाइम, दिन में शायद कम लोग होते हैं बिकॉज गर्मी बहुत है, ऑब्वियस रीजंस। जून का महीना स्टार्ट हो गया है, ऑलमोस्ट मई एंड है और गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो दोपहर के लिए तो आइडल नहीं है ये, शाम के लिए बहुत अच्छा है मौसम यहाँ पे, देखने लायक माहौल। लोग आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, गप्पे गुप्पे मार लेते हैं शाम को, ये जैसे घूम रहे हैं सभी फैमिलीज़ के साथ। लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पे आया था तो ये फाउंटेन्स चल रहे थे,
दिन में, लेकिन अफसोस की बात है कि रात को बंद है। ठीक उसी जगह से मैं नीचे आया हूँ, अब वो हाइट पे है और अभी बिल्कुल राइट साइड पे नीचे जाएंगे। तो पानी तो है इसमें, शायद बरसात का पानी है, लेकिन फाउंटेन्स का नहीं है और गंदा भी हो रखा है थोड़ा बहुत। ये बहुत खूबसूरत है, अगर पानी चल रहा हो तो और अच्छा है, थोड़े छिट्टे पड़ते रहते हैं ऐसी गर्मी में। सर्दियों में चल जाता है कि पानी नहीं है, गर्मियों में थोड़े थोड़े पानी ऊपर गिरता रहे तो बढ़िया अच्छा लगता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। और हमारे बाकी दोस्त भी आ रहे हैं, वो भी फ़ोटो खिंचाने में बिज़ी हो गए हैं, जैसे कि बाकी लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे हैं, वो भी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। फाइनल पार्ट आ गया इस गार्डन का, जल महल, बिल्कुल पानी के बीचों बीच, बट नो जल, ओनली सम वाटर, वो भी पानी सारा बरसात का है इसमें। और पटाखे पता नहीं कौन चला रहा है यहाँ पे गर्मियों में। तो ये है जल महल, जैसे जयपुर का जल महल है ठीक वैसा, लेकिन वो बहुत बड़ा है। ये भी मुग़लों के टाइम का है, वो भी मुग़ल्स के टाइम का है। यहाँ पे फाउंटेन्स चलते होते हैं अंदर, लेकिन अभी चल नहीं रहे हैं। फाइनली एंटरिंग द जल महल, पिंजौर गार्डन्स का, इसके बारे में लिखा भी हुआ है कुछ, जल महल द वाटर पवेलियन। जल महल इज अ सिंगल स्टोरेज स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द चाहर बाग। इट इज़ सराउंडेड बाय सरीन वाटर टैंक विच इज़ पार्ट ऑफ द सेंट्रल चैनल। सारा इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप, हरियाणा टूरिज्म के अंडर ऑफ कोर्स, आ जाओ। तो ये है महल के अंदर का सीन, और ये है हमारे लोगों की कलाकारी जो उन्होंने बाद में मॉडिफाई किया यहाँ पे आके। जो मुगल्स बना गए थे वो तो बना गए थे, लेकिन जो हमारे लोगों ने यहाँ पे आगे अपनी कलाकारी दिखाई है वो बेहद खूबसूरत है। देखो लाइटें चेंज हो रही हैं इसके अंदर, कभी ये पिंक हो रहा है, कभी ये ग्रीन, कभी ये येलो एंड कभी ब्लू। और ये जो आप आर्ट देख रहे हैं इसके ऊपर, ये तब से है जब ये बना था, वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ से झरोके बने हुए हैं, खिड़कियाँ बनी हुई हैं। वो सामने मेन पिंजौर गार्डन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, वहाँ से मैं नीचे उतर के आया हूँ और फाइनली जल महल पे आके मैं रुका हूँ। ठीक है जी, हमारा जो थोड़ा कैमरा मैन है वो थोड़ा अभी प्रिपेयर्ड नहीं है चीज़ों को लेके, तो थोड़ा माफ़ करना उस चीज़ को, ही इज़ ऑन टेम्प्ररी वर्क बेसिस, ही इज़ ऑन अभी क्या कहते हैं उसको, इंटर्न कर रहा है अभी वो एंड पॉइंट है पिंजौर गार्डन्स का। आहिस्ता आहिस्ता भीड़ भी कम होती जा रही है, तो हमारे साथ हमारे भाई लोग आए हैं, उनसे थोड़ा पूछते हैं, उनका विचार लेते हैं, व्यू, जो फोटोग्राफी में बिजी हैं। शिवताज जी से पूछते हैं हम, यहाँ पे आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया फील हो रहा है, बड़ी ऑसम प्लेस है, सारी हिस्टोरिकल है। जब लास्ट टाइम मेरे साथ, बड़ी शांति मिलती है, जब लास्ट टाइम मेरे साथ आया था तब भी था ये व्लॉग में, उस टाइम ये डे टाइम में आए थे, पर कुछ चीज़ें रह गई थी, कुछ चीज़ तो रह गई थी, वो बेसिकली यही रह गया था कि हमने रात का व्यू नहीं देखा था, लाइट्स नहीं थे और साउंड भी नहीं है, लाइट एंड साउंड शो होता है, साउंड तो है ही नहीं, और वाटर भी नहीं चल रहा है। वी आर नॉट लकी इनफ कि जो पानी के फुहारे वो बंद है। यहीं पे खड़े थे, यहाँ पे कुछ तस्वीरें ली थी उस टाइम, और दो भाई और भी हमारे, तुसी भी आ जाओ, एक भाई हमारा नवर, नहीं बोलना नहीं है, हमारा एक भाई नवराज, ठीक है जी, और ये भाई प्रिंस, ते भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि इनकी फोटोग्राफी नहीं खत्म हो रही, थाउजेंड्स ऑफ फोटोग्राफ्स आर ऑलरेडी क्लिक, ठीक है जी। तो ये होता ही है, फ़ोटो खींचनी है। और वो देखो उर्दू में भी लिखा हुआ, ऊपर जूम करके दिखाऊंगा, जल महल, और साथ में उर्दू में लिखा हुआ है। तो ये तब से है जब ये बना था, बेहद खूबसूरत। तो अब आपको लेके चलते हैं जी लास्ट पॉइंट पे, जो बिल्कुल इस फोर्ट का एंड है। यहाँ तो बिल्कुल पानी है ही नहीं, ड्राई पड़ा हुआ है, ठीक है जी। हाँ एक चीज़ और, आपको यहाँ पे फ्रूट्स भी मिल जाएंगे अगर आप फ्रूट्स लेना चाहते हैं, यहाँ बाग भी है वहाँ पे, वो देखो स्टॉल लगी हुई है, तो वहाँ पे बैठे हैं जिनके ये आम वगैरह हैं, यहाँ पे आके आप फ्रूट्स ले सकते हैं, प्योर फ्रूट्स। ये सामने बाग है, देखो लीची लिखा हुआ है, साइंटिफिक नेम लीची, पता नहीं क्या, चेनेसिस वराइटी, सीडलेस है ये लीची, लीची जो फ्रूट है, और एक एकड़ में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हरियाणा, लीची के बाग है यहाँ पे, पर सीडलेस है, विदाउट सीड। नीचे उतर उतर के तो बहुत दूर आ चुके हैं, पौड़ियाँ ऐसे ऐसे उतर रही हैं, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, ठीक है जी। एक किला ऐसा बना हुआ है, ऐसा ऊपर से बिल्कुल नीचे को, बिल्कुल डेड एंड दिखा रहा हूँ आपको किले का। ये ऐसे काफ़ी सारे ब्रिजेज हैं जो बीच में बने हुए हैं, इस पर खड़के लोग बहुत फोटोग्राफी वगैरह करवाते हैं। तो ये एंड वाला गेट इसके उधर बंद, पहले था डे टाइम व्लॉग सेम जगह का, अब है नाइट का व्यू, बड़ी खूबसूरत लाइटें, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, येलो, बीच में येलो,
बस एक ही कमी हमें महसूस हो रही है, वो है साउंड की। चलो साउंड ना भी हो तो अच्छा है, क्योंकि व्लॉग में फिर दिक्कत आती है, हम बोलेंगे या तो साउंड चलेगा, और यहाँ तो फिर फाउंटेन्स की कमी हो रही है पानी की। तो गार्डन से तो मैं बाहर आ गया हूँ, यहाँ पे फाउंटेन चल रहा है, अंदर नहीं चल रहा, बाहर चल रहा है बिना टिकट के, लेकिन टिकट लेके अंदर नहीं चल रहा। तो बाहर से देख सकते हो फाउंटेन, कैमल राइड, और ये बच्चों के लिए जिसमें बड़े भी बैठे हैं। उधर एक अम्यूज़मेंट पार्क भी है, वाटर पार्क है, जिसमें आप जाके पानी का लुत्फ़ उठा सकते हैं, वाटर पार्क। तो ये कुछ शॉप्स हैं जो पेरीफेरी में हैं, तो यहाँ पे जूसेस वगैरह, गिफ्ट शॉप, सब कुछ, और पार्किंग के चार्जेस हैं 40 रुपीज़ फॉर द कार। तो ये था जी पिंजौर गार्डन्स, यादविंद्रा गार्डन्स, मुगल गार्डन्स, अ फेमस डेस्टिनेशन इन चंडीगढ़, 10 किलोमीटर चंडीगढ़ से हरियाणा में, पंचकुला में। मार्केट है बहुत अच्छी, चलते हैं यहाँ से अब। अगर व्लॉग पसंद आया तो डू हिट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन दबा के लाइक कमेंट एंड शेयर। ऑलराइट, साइनिंग ऑफ फ्रॉम यादविंद्रा गार्डन्स पिंजौर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बाय।